आज हम आ पहुंचे हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पर तुम्हारा करम है आज। उर्दू के मकबूल शायर हसरत मोहानी का ये शेर मथुरा और उसके आराध्य श्री कृष्ण की तरबियत को बखूबी बयां करता है। दुनिया का कोई भी देश और भारत का कोई छोटा गांव भी ऐसा नहीं है जहां कृष्ण के दीवाने ना हों। दरअसल श्री कृष्ण हमारे सांस्कृतिक विकास का प्रतीक तो है ही, वे भारतीय जीवन दर्शन का शायद सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ भी हैं। और ऐसे स्तंभ की जन्मभूमि आज खुद अपना आधार पाने की कोशिश करती नजर आ रही है। दरअसल मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में, जहां कृष्ण का गर्भगृह माना जाता है, उसके ठीक ऊपर बेतरतीब पत्थरों से बनी एक खूब बड़ी और पुरानी सी मस्जिद का ढांचा खड़ा है। हालांकि ये जन्मभूमि परिसर में किसी प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह दिखती है, लेकिन हमारे लिए ये विस्मय बोधक की तरह सामने आई। अब जब द फोर्थ पिलर की टीम ने इसके इतिहास की पड़ताल शुरू की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उन्हें समझने के लिए पहले आप आज के मौजूदा नक्शे को समझिए। यह है सरकारी दस्तावेजों में दर्ज श्री कृष्ण जन्म स्थान का परिसर। इसी परिसर के बीचों बीच स्थित है शाही ईदगाह मस्जिद। इस मस्जिद की मध्य गुंबद के नीचे ही प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बना है। मतलब यही वह जगह है जिसे श्री कृष्ण के जन्म स्थान के तौर पर हिंदू समाज हजारों सालों से पूजता आया है। प्राचीन भग्नावशेषों के टीले पर स्थित परिसर को ही कंस का कारागार माना जाता है। इसके बिल्कुल पास ही किसी प्रमाण की तरह प्राचीन पोतरा कुंड स्थित है। सबसे दिलचस्प है इस पूरे परिसर के स्वामित्व की कहानी। मस्जिद सहित इस पूरे जन्मभूमि परिसर के मालिकाना हक की कहानी। ईदगाह निर्मित है जन्मभूमि पर तो इस गांव वाला नहीं कर सकते ना। हाँ। इसका रेवेन्यू नंबर एक है, ठीक है। मतलब सिंगल है, ईदगाह का अलग, जन्म स्थान अलग नहीं है। वो कारागार में तो था ना स्थान, तो मंदिर तो निर्मित जन्म स्थान पर था ना, जिसके अग्रभाग पर बनवाया था। वो उस प्राचीन मंदिर के पार्ट पर ही तो ईदगाह निर्मित की गई थी। हाँ। वो उस कटरा के हृदय में स्थित है। इसका रेवेन्यू का, राजस्व विभाग का जो नंबर है खसरे का, वो 825 है। 825 नंबर कटरा केशवदेव का है, जिसमें युगों युगों से मंदिर निर्माण होते रहे, जिसको नीलाम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो है 825 नंबर राजस्व का खसरा नंबर, जिसका स्वामित्व मिला नीलामी के बाद, रकम भुगतान करने के बाद राजा पत्नीमल को। मस्जिद कहे जाने वाले शाही ईदगाह का ढांचा पुराने मथुरा शहर में कटरा केशवदेव नाम के मंजिलों ऊंचे टीले पर बना है। इस टीले की पूर्वी सीमा पर, जहां मथुरा से वृंदावन जाने वाली सड़क और रेलवे लाइन गुजरती है, वहां खुदाई में पुरानी ककई ईंटों का एक बहुत बड़ा सा बेस दिखता है, जो मस्जिद के बनाए जाने से पहले वहां किसी और भव्य इमारत की कहानी कहते दिखते हैं। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है, इसे शुरू से शुरू करते हैं। ये तो स्पष्ट है कि कृष्ण जन्मभूमि यही है। प्रथम मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाथ जी ने कराया। आप देखिए भगवान के श्री विग्रह के मुखाकृति, हर तस्वीर में, हर मूर्ति में किंचित अंतर हो सकता है, वो बनाने वाले का अपना भाव है, लेकिन एक ही मुखाकृति है। मूल क्या है? मूल है क्योंकि भगवान के प्रपौत्र श्री बज्रनाथ जी महाराज ने भगवान के प्रथम मंदिर का निर्माण कराया, श्री ठाकुर जी के विग्रह की स्थापना की, तो निश्चित रूप से वही मुखाकृति उन्होंने
भगवान के विग्रह के अंदर स्थापित की, जो ईश्वर का साक्षात रूप था। तो जो लावण्यमय रूप है, जो भगवान का जो एक मनमोहक रूप है, ये उसी परंपरा से आ रहा है। समय के साथ और विकास के क्रम में हुई रेलवे और सड़क की खुदाई में यहाँ से निकली तरह तरह की प्राचीन मूर्तियों और पत्थर की शिलाओं से मथुरा का म्यूजियम पटा पड़ा है। आर्कियोलॉजी के जानकार और अंग्रेजी राज में मथुरा के कलेक्टर रहे मिस्टर एफ एस ग्राउज ने अपनी पुस्तक मथुरा मेमोरियल में इस टीले यानी कटरा केशव देव को ही कृष्ण जन्म स्थान माना। बाद में इन्हीं ग्राउ साहब ने 1874 में गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मथुरा की स्थापना भी की। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंघम भी अपने आर्कियोलॉजिकल एक्सेप्शन रिपोर्ट में लिखते हैं, मैं समझता हूँ आर्य वर्ग का केसोबोरा या खेसोबोरा और प्लिनी का क्लिसोबोरा यह केशोपुरा यानी कटरा केशव देव ही है। आजकल ये केशवपुरा मोहल्ले में कटरा केशव देव स्थित है और बहुत प्राचीन काल से केशव भगवान का महान मंदिर निःसंदेह इसी स्थान पर रहा है और उसका कई बार विध्वंस और पुनर्निर्माण हुआ। वज्रनाथ जी द्वारा बनाया गया मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तभी 400 ईस्वी में यहाँ नई हलचल हुई। विक्रमादित्य जी ने बड़ा भव्य मंदिर बनवाया और उस विक्रमादित्य द्वारा निर्मित मंदिर को 1017 में ईसवी सन 1017 में महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया। इतना भव्य और संपदा युक्त वह मंदिर था कि उसके पास उसको सामान को सोना चांदी हीरे मोती ले जाने के लिए ऊंट कम पड़ गए थे। महमूद गजनवी का मीर मुंशी अल उब्बी अपनी किताब तारीख यामिनी में लिखता है, शहर के बीचों बीच में एक बहुत बड़ा आलिशान मंदिर था जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था और जिसे लोग इंसान का बनाया न मानकर देवदूतों का बनाया मानते थे। वह इतना भव्य था कि सुल्तान महमूद ने उसे देखकर मुझे कहा कि कोई इस तरह की इमारत बनवाना चाहे तो उसे 10 करोड़ दीनार खर्च करने पड़ेंगे और उसके बनवाने में 200 साल से कम का वक्त नहीं लगेगा, चाहे इसके लिए बड़े बड़े ऊंचे तजुर्बेकार कारीगरों को ही क्यों ना लगवाना पड़े। महमूद गजनवी एक लुटेरा था, उसने संस्कृति और धनधान के केंद्र बन चुके मंदिरों को लूटा तोड़ा और लौट गया, जिसके बाद एक बार फिर मंदिर का निर्माण कराया गया। 1150 में यहाँ महाराजा विजयपाल सिंह का शासन था मथुरा में और जज नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पुनः मंदिर बनवाया 1150 में। उसको यहाँ चेतन महाप्रभु आए 1515 में, उनने जो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है उनका सब वर्णन है, तो वो यहाँ आए दशावतार जमुना स्नान किया फिर केशव देव के दर्शन किए। उस समय मंदिर वो था और उसी समय जो विदेशी यात्री जो है उन्होंने भव्य वर्णन उसका मंदिर का किया है। 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी ने उस मंदिर को तोड़वा दिया जो 1150 में बना। उसके बाद में 1610 में ओरछा है यहाँ मध्य प्रदेश में, उसके राजा विजयपाल सिंह देव ने यहाँ 1610 में मंदिर बनवाया। बाबर का शासन काल था लेकिन उनकी बाबर से मित्रता थी, उनने कभी बाबर को बचाया था तो उसमें जो उनने कहा कि भाई अब जो कुछ है तो हमको यहाँ मंदिर बना दें, तो वो मंदिर यहाँ बनना 250 फीट उसका पूरा वर्णन है, उसका नक्शा भी है। 33 लाख रुपये उस समय लगे, 250 फीट ऊपर मंदिर था और उसको बाद में सोने से चढ़ा गया। मुगलिया सल्तनत में ये जहांगीर का काल था। 1965 में जब टेवर्नियर नाम का एक फ्रांसीसी यात्री भारत आया तब ये मंदिर मौजूद था। टेवर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन इंडिया में लिखता है, बनारस के बाद सबसे प्रसिद्ध मंदिर मथुरा का है। यह मंदिर भारत के अन्य उत्कृष्ट मंदिरों में से एक है। यह 8 पहलू वाला बना हुआ है। मंदिर में जो पत्थर लगे हैं वो लाल रंग के हैं। मंदिर के चारों ओर पत्थरों पर नक्काशी है जिसमें भांति भांति के जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। विशाल चबूतरे पर आधे में जगमोहन बना है और बीच में एक मंडप है। यह मंदिर इतना विशाल है कि मीलों दूर से दिख जाता है। मंदिर बहुत ही ऊंचा और भव्य है। इसके अलावा इटालियन यात्री मनुची अपनी किताब स्टोरी ऑफ मुगल इंडिया में लिखता है, मथुरा का केशवदेव मंदिर का स्वर्णाक्षर शिखर इतना ऊंचा था कि वे 18 कोस अर्थात 36 मील दूर आगरा से दिखाई देता था।
दिवाली की रात में जब उस पर दिए जलाए जाते तो उसकी रोशनी आगरा तक दिखती, और यही बात आगरा किले में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब से नहीं देखी गई। औरंगजेब का समय भारत की सनातन संस्कृति के लिए एक बड़े विनाश का समय रहा, और सनातन संस्कृति के इन्हीं प्रतीकों में से एक श्री कृष्ण जन्मभूमि को उसने तोड़ने का आदेश दे दिया। औरंगजेब का शासन आया, उसकी क्रूरता के बारे में हम जानते हैं। 1669 में उसने अपने सेनापति को भेजकर इसका ध्वस्त कराया। मथुरा का केशवदेव मंदिर और वृंदावन का गोविंद देव मंदिर, इन दोनों को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। वृंदावन के गोविंद देव मंदिर की 3 मंजिलें गिरा दी गईं, किंतु चूंकि भगवान कृष्ण सबके आराध्य थे, बहुत व्यापक रूप से जन जन में व्याप्त थे, अतः इस मंदिर को पूर्णतः ध्वस्त कर दिए और उस मंदिर के अग्रभाग पर, चूंकि इस्लाम की मान्यता है कि जहाँ बुत अर्थात मूर्ति विराजित है वह उनके लिए पवित्र स्थान, तुलनात्मक दृष्टि से उस मंदिर के अग्रिम भाग पर जिसे हम जगमोहन कहते हैं, उस पर उसने मंदिर के ही मलबे से वर्तमान जो ढांचा खड़ा है ईदगाह के रूप में इसका निर्माण करा दिया। औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनाए जाने वाली बात शाही मस्जिद ईदगाह के प्रेसिडेंट मिस्टर जैद हसन भी बताते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो यही है कि औरंगजेब के काल में इसको बनवाया गया, और तब से इसमें एक तरफ मदरसा बनाया गया था और एक तरफ रहने का इंतजाम था, पठन पाठन होता था, सिपाही भी रहते थे, नमाजें भी होती थी। मुगल शासन के पतन के बाद भारत में ब्रिटिश रूल आ गया और कटरा केशवदेव यानी जन्मभूमि की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेजों का शासन हुआ, अंग्रेज सरकार ने इस पूरे परिसर को, जो कारागार का परिसर था जिसको कटरा केशवदेव, चूंकि यहाँ केशवदेव भगवान विराजमान थे, उस पूरे परिवर्त को कटरा के नाम से जाना जाता है, कटरा केशवदेव। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सरकारी जमीन मानते हुए, नजूल लैंड मानते हुए, इसका जनरल पब्लिक ऑक्शन किया, नीलामी की। नीलामी में कोई भी लगा सकता था। बनारस के एक राजा पटनीमल थे, जिन्होंने मथुरा में कई धार्मिक स्थान बनवाए हैं, कई कुंड बनवाए हैं, मंदिर बनवाया है मथुरा में दीर्घ विष्णु का, उन्होंने बोली लगाकर इसको खरीद लिया। उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बनवाएंगे भगवान की जन्मभूमि पर। स्थानीय मुसलमानों ने उस नीलामी पर आपत्ति की कि मस्जिद की बिल्डिंग या भूमि नीलाम नहीं हो सकती, बाकी नीलाम हो सकती है। न्यायालय का दौर शुरू हुआ मुकदमे का, और स्थानीय न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक 1865 में मुकदमा आरंभ हुआ और 70 वर्ष मुकदमा चला। अंततः 1935 में उच्च न्यायालय तक भी यही माना गया कि इस पूरी संपत्ति के मालिक राजा पटनीमल ही हैं, नीलामी बिल्कुल ठीक है, वैध है। उनके जो पुत्र थे राय कृष्णदास, 1935 में जीवित थे। 4-5 वर्ष बाद यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कर चुके थे, एक हिंदू लीडर के रूप में स्थापित हो चुके थे, मथुरा पधारे। मथुरा का तात्पर्य यमुना जी, कृष्ण जन्म स्थान और गिरिराज पर्वत, मुख्य यह स्थान ब्रज के माने जाते हैं। जन्म स्थान दर्शन करने आए तो देखा यहाँ की दुर्दशा, ईदगाह का ढांचा खड़ा हुआ है, बाकी खंडहर पड़े हुए हैं पुराने मंदिरों के, स्थान स्थान पर मुस्लिम जन बसे हुए हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बड़ा उनको कष्ट हुआ। उन्होंने जानकारी की कि इसका स्वामित्व तो किसका है, क्या स्थिति है इसकी। उनको पता लगा कि बनारस के रहने वाले राजा पटनीमल के पुत्र आदि हैं, वो उसके स्वामी हैं। उन्होंने वहाँ जाकर संपर्क किया, उनको बड़ा प्रसन्नता हुई, जितना बड़ा व्यक्तित्व है मालवीय जी, उन्होंने सहमति दी कि आप इसका जीर्णोद्धार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
तो उस भूमि के मूल्य जो उन पर कर्जा हो गया था न्यायालय के मुकदमे लड़ते हुए, उतना मात्र मूल्य का भुगतान कैसे हो, उसके लिए उद्योगपति जुगल किशोर जी बिरला, जो देश में कई मंदिरों का निर्माण करा चुके थे, उनसे संपर्क हुआ पूज्य मालवीय जी का, और वह अर्थ की व्यवस्था उन्होंने की और उस इस पूरे भूखंड की खसरा नंबर 825 का विक्रय पत्र लिखा गया और उनसे क्रय कर लिया गया। मालवीय जी की इच्छा थी कि ट्रस्ट बने और भव्य मंदिर बने। कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार बिरला जी ने जो संपत्ति खरीदी थी इसका एक सार्वजनिक ट्रस्ट बना दिया, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और सारी की सारी संपत्ति इस भूमि की भू संपत्ति उस ट्रस्ट को समर्पित कर दी। उसके बाद से इसके विकास का दौर आरंभ हुआ। स्थानीय लोग, युवा लोग, वृद्ध लोग सब इकट्ठे हुए, उत्खनन शुरू हुआ, मूर्तियाँ, भंग मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियाँ और तमाम सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई जो यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित है, और वो जो क्रम चला विकास का वो आज तक जारी है। हाँ, उसमें विशेष बात यह है कि जो निर्णय हुआ उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम जन को ईदगाह होने के नाते से, सुविधा के नाते से, नॉट एज ए मैटर ऑफ राइट बट एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस, ट्वाइस इन ए ईयर ईद के अवसर पर प्रार्थना करने का अधिकार है। स्वामित्व जन्मभूमि ट्रस्ट का है। पुरातत्व तो साक्ष्यों, साहित्यिक प्रमाणों और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आंखों देखी परंपरा में हिंदू समाज यहाँ खड़े मस्जिद के ढांचे को ही मंदिर के मूल स्थान के रूप में मान्यता देता आया है, और ठीक यहीं कई सवाल मुंह खोले खड़े हो जाते हैं। तोड़े गए मंदिर और उसी के मलबे से बने मस्जिद के इस ढांचे को क्या माना जाए? क्या पंथ निरपेक्ष भारत की गंगा जमुनी तहजीब में यह भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक बन पाएगा? यह देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं के आस्था स्थान पर खड़ा अपमान का स्मारक बना रहे? भाई, अब सबका तो नहीं, लेकिन राम कृष्ण विश्वनाथ ये हमारे आधार है, हमारी धर्म की, संस्कृति का, इतिहास का। यदि सम्मान के साथ में, समर्पण के साथ में हम उल्लेख कर सकते हैं किसी का, तो इनके ही कर सकते हैं। और हिंदू मंत्र की आकांक्षा होती है कि यदि हमको एक, मतलब मानिए कि प्रभु ने कोई हमको मनुष्य जन्म दिया है, तो कम से इनके जो पूज्य स्थान है अयोध्या, काशी, मथुरा, इनके हम दर्शन जरूर करें। तो वो दर्शन करें, तो उनने और जगह तोड़े, लेकिन यहाँ इसलिए तोड़े कि हिंदू यहाँ आएगा और वहाँ ये तुलना होगी कि आपके ईश्वर में कोई दम नहीं है, आएगा उत्साह से, लेकिन यहाँ आएगा अपमानित होकर के। स्थायी रूप से अपमान का बोध होता रहे, गुलामी का बोध होता रहे, हीनता का बोध होता रहे, तभी तो इनने मंदिर तोड़े और वही जगह मस्जिद पाई जहाँ मंदिर मूल थे। दूसरा, जन्मभूमि दो नहीं हो सकती, मंदिर लाखों हो सकते हैं, जन्मभूमि तो वही रहेगी, जन्मभूमि रही है। हमारा जो गर्भगृह है, यहाँ जब भी भगवान की स्थान, तो भगवान का जो शिव विग्रह यहीं स्थापित किया गया। ये गर्भगृह, एक गर्भगृह ऊपर निकला जब जो कार सेवा हुई, तो ये माना गया कि बज्रनाभ ने स्थापित किया गर्भगृह, तो निश्चित रूप से उस समय की जो तो प्रत्यक्ष होंगे, उस समय के उनके प्रभुत्व के साथ तो ऐसे लोग भी होंगे जो भगवान का जन्म ने देखा होगा, तो उनने यदि वो जगह तय की तो भगवान का जन्म निश्चित रूप से वही हुआ होगा, तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? उनका जो है कोई पीर पवन ओलिया की जगह नहीं, मंदिर क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा गंगा पान करना, हमारी भावना को जो दूषित करना, इससे बड़ा अत्याचार का प्रतीक कोई, हम ये कहते हैं बड़े उत्सव करते हैं, अभी जन्मष्टमी बनाएंगे, पब्लिक नहीं होगी तो भी उत्सव करेंगे, लेकिन जब उसको देखते हैं तो उस समय की याद जरूर आती है, हर एक हिंदू रक्त जरूर आता है कि जिस समय ये मंदिर भव्य ऐसा मंदिर टूटा होगा तो हमारे लोगों पर क्या बीती होगी। तो वो स्वार्थ नहीं, वह कटता, वह क्लेश, वह अपमान का बोध जरूर होता है।